सो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई का चिकन डिनर हो गया, वो भी 20 किल के साथ सोलो वर्सेस स्क्वाड में। तो देखो यार, मेरे को यहाँ पे पैराशूट की स्किन मिले जिसमें टेडी बेयर, कचोरी, चकली विकली, समोसे वमोसे, इडली विडली सब है, तो क्या ही बोले पैराशूट के लिए। तो फिलहाल उतरे हैं पोचिन की में, गन की तलाश में है, तो गन वगैरह सब मिल जाती है। शॉर्ट गन लेके मैं सीधा अंदर रश कर देता हूँ। अभी सामने देखो बंदा है, तो देखो बस इसके साथ क्या होगा। साले डल्ले शॉर्ट गन लेके हम पे रश करेगा, कभी ये भी सोच लेता कि हमारे पास भी शॉर्ट गन है, वो भी H12K। गाइस ये गन बहुत ओपी है। तो यहाँ पे सामने और एक बंदा है, सामने वाले घर में, तो यहाँ से उजी वगैरह उठा लेता हूँ और अब सीधा रश करेगा उस पर। और यहाँ पे इस बंदे को इजीली निपटा देते हैं, और सामने और एक बंदा है, तो चलो करेंगे उस पर भी रश। ये देखो यहाँ पे ये कप चुप कैसे छुपा बैठा था कोने में। कोने में घुसोगे तो मार खाओगे हमारे हाथ से। तो गाइस कोने में नहीं घुसना है कभी भी, सामने से वार करने का जो भी करने का है। तो देखो सामने बंदे, तीन बंदे है टोटल, मतलब दो अलग है एक अलग है, समझ रहे ना आप। तो इनमें से एक जन पे रश कर देता हूँ आप, तो देखो बस। भाई साहब पीछे से गलत तरीके से फायरिंग बढ़ रही थी, मेरे को तो लग रहा था कि ये लोग रश करेंगे, दैट्स वाई मैं पीछे कूद मार देता हूँ, बट ये लोग ऐसा करते नहीं, पट्टू लोग रहते थोड़े बहुत। तो मस्त आराम से हीलिंग वगैरह लगा देता हूँ, और देखो अब क्या होगा। तीन बंदे रहते हैं जिनमें से एक बंदा शनपट्टी करके मेरे पे अकेला रश कर देता है। अकेले बंदे को तो हम कभी छोड़ते नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा प्रो बंदे अकेला आएगा, भाई हम इतने चूतिया नहीं है कि अकेले बंदे से निपट जाएंगे, तो क्या ही बोले। और इनके दो बंदे बाकी है, तो देखो बस उनको कैसे निपटाते। और क्या चाहिए लाइफ में भाई, ऐसे सीन हो गए तो भाई मज़ा तो आएगा ही गेम खेलने को, और चिकन डिनर होता तो और मज़ा आता है, मतलब चिकन डिनर हुआ है ऐसा मत समझो। तो देखो यहाँ पे और एक बंदा रहता है, इनका रहता है कि पता नहीं, जिसपे मैं मॉली कर देता हूँ। लास्ट का बंदा रहता है, पता नहीं कौन रहता है, साला डायरेक्टली रश कर देता है, निपटा देते इसको भी। और यहाँ पे एक बॉट को मारते, इसका 6x वगैरह लेते, ये बॉट को मारते और सीधा आप स्कूल अपार्टमेंट जाएंगे, ठीक है। तो देखो बस गाइस मेन बिल्डिंग में दो चार बंदे हैं जिनका मुझे साउंड आता है, दैट्स वाई मैं गाड़ी यहाँ पे रोक देता हूँ और सीधा ऊपर चढ़ जाता हूँ। यहाँ पे बहुत वेट करने के बाद फाइनली एक गाड़ी आ जाती है, थर्ड पार्टी करने का मौका रहता है, तो कर देता थर्ड पार्टी। बस भाई एंगल बना के मारते जाओ, यही मैं आपको कहना चाहूँगा अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड है तो भाई एंगल बना के मारते जाओ। देखो अभी मैंने कैसा एडवांटेज लिया, अच्छा एंगल बनाया और मारा, तो ऐसे ही आप करते जाओ। तो अब मेन बिल्डिंग पे एक ही बंदा बाकी है जिसने अभी अभी फाइट लिए, थोड़ी बहुत उसकी एचपी कम होगी, रश करने का सही मौका है, तो कर देता हूँ यहाँ पे भी रश। देखो सामने बंदा है, हीलिंग लगा रहा है, ठीक है, तो देखो चलो भाई निकल जाओ। तो गाइस इनकी थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो एक सकाराम बाइक, पता है आपको सकाराम, जो तारक मेहता में शायद मैंने देखा था, तो वो गाड़ी लेके एक बंदा आ जाता है, तो देखो उसको कैसे मारते हैं, ठीक है। देखो भाई फुल स्पीड में भगा रहा है, हमारे पास भी बग्गे कोई, हम भी किसी से कम नहीं है। तो देखो भाई इसकी गाड़ी यहाँ पे उड़ जाती है, तो अभी इजी था, बहुत इजी था ये, क्या कर रहा था, सस्ते नशे करके आया था बंदा, क्या पता उसको भी पता। तो निपटा देते इसको भी, इसकी भी लूट वगैरह करते और फिर से अपार्टमेंट आ जाते। यहाँ पर बहुत सारे बंदे रहते हैं, दैट्स वाई ऊपर आ जाता हूँ। और सामने देखो अभी ड्रॉप गिरा है, अब ड्रॉप पे टोटल तीन बंदे हैं और इनका चौथा बंदा जो है वो राइट वाले बिल्डिंग में मेरे, ठीक है।
तो अब पहले इनको मारते हैं, फिर उसको मारने को जाएंगे। अरे गाइस यहाँ पर देखो मैं इनको बहुत सारा डैमेज देता हूँ, बट एक भी बंदा नॉक नहीं होता, तो क्या ही बोले। तो मैं सोचता हूँ कि सिंगल टैप से काम चल जाए। तो गाइस सिंगल टैप से दो बंदे नॉक हो जाते हैं, अब बचे इसका तीसरा बंदा, तो उसको भी मारेंगे। ओके तो गाइस इनका जो चौथा बंदा रहता है वो मेरे राइट वाले बिल्डिंग में रहता है, जो कि मेरे पे बहुत सारे ग्रेनेड करता है, बट उससे मेरा घंटा भी कुछ नहीं होता। तो पहले नॉक वालों को फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे ये लोगों ने स्मोक वगैरह किया है, थोड़ा वेट करता हूँ, सही टाइम का वेट करता हूँ। और देखो अब लो भाई एंगल चेंज करके मारने का, बस सोलो वर्सेस स्क्वाड में यही करने का, एंगल चेंज करने का। अच्छा एंगल मिलता है, कोई ना कोई अच्छा एंगल मिल ही जाता है, तो एंगल चेंज करके मार देने का। गाइस इनका जो तीसरा बंदर रहता है हाइड्रा डायनामो करके, वो भाई खुद ही गाड़ी को गोली मार के खुद ही उड़ जाता है, तो क्या ही बोले। सामने फाइट चले तो थर्ड पार्टी करना बनता है, तो देखो आप। तो जैसे कि इनका यहाँ पर किल चुरा लेते हैं। और गाइस ये जो ब्लू वाला घर है ना, यही मेरा सहारा है, ये घर में मैं लास्ट तक खिला था, यही घर में मैं लास्ट तक डटा रहा। तो देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो देखो बस इनकी आप कैसे हालत कर देता हूँ, पूरा मतलब मुर्गा बना देता हूँ लोग को, मुर्गा कोमड़ी पाव बना देता हूँ। तो देखो भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम कहाँ से भी आओगे, कहीं से भी आओगे और हमको मारोगे भाई। पहले के प्लेयर हैं हम, पहले के मतलब गेम आप भी गए तो भी हम 3 साल से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेनेड के पिंग खींच देता हूँ, बट इससे कोई कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमको रश करना ही पड़ेगा, तो कर देते अब रश। भाई हमसे बच के कहाँ जाओगे, कितना दूर भागोगे, कभी ना कभी तो मिल जाओगे ना। तो इनको भी निपटा देते आराम से। अब सामने पूरे दो बंदे बचे, जो कि दोनों के दोनों सांप है, तो मैं रिक्स नहीं लेना चाहता, हमको चिकन देना चाहिए। आराम से निपटा देते लोग को भी, एक गया। अब इसका दूसरा बंदा बाकी है, जो कि ये वाले पेड़ के पीछे, बट पहले मेरे को नहीं दिख रहा था, तो रिक्स नहीं लेने का, थोड़ा भी ग्रेनेड वगैरह करते रहने का, क्योंकि आपको उनको चिकन देना चाहिए है ना। तो गाइस यहाँ पर मैं मेरे सारे थ्रोएबल यूज़ कर देता हूँ, ग्रेनेड और मॉली यूज़ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं मॉली यूज़ कर देता हूँ, रैंडमली मॉली डालता हूँ, बट बंदे का साउंड नहीं आ रहा था। अब फाइनली बंदे का साउंड आ गया है, जो कि पेड़ के पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो चलो गाइस इसी के साथ, लास्ट बंदे के साथ ये शानदार सा लाल जवाब सा चिकन डिनर हमें मिल गया है। तो इसके लिए एक लाइक और एक, देखो भाई मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में बहुत दिनों के बाद चिकन डिनर निकाला है। तो बस ये वीडियो यही तक था, लाइक करो, फॉलो करो, फॉलो नहीं सब्सक्राइब करो। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।